हरियाणा में एक वक्त ऐसा भी था जब बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी पाना संभव ही नहीं था, लेकिन आज बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जिसको लेकर युवाओं के मन में एक नई आस जगी है कि मेहनत करने वालों की अब हार नहीं होगी। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि गुरुग्राम जिले के वो अभ्यर्थी कह रहे हैं जिन्हें हाल ही में मेहनत के बलबूते पर सरकारी नौकरी मिली है। गुरुग्राम की गांव पहाड़ी में ऐसे 8 अभ्यर्थी हैं जिन्हें काबिलियत के बल पर सरकारी नौकरी मिली है, जिनमें 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि 2-2 बार ये मौका मिला है। मेरा नाम आशीष है और मैं रेवाड़ी के चीड़ गांव का रहने वाला हूं। मेरा पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था बिना पर्ची खर्ची के, और अभी रेवेन्यू पटवारी हरियाणा सरकार में रेवेन्यू पटवारी में सिलेक्शन हुआ है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीतम यादव है, मैं गुड़गांव जिले के पहाड़ी गांव का निवासी हूं और मेरा ग्रुप सी में अभी पटवारी में चयन हुआ है। जो सरकार ने बिना खर्ची पर्ची की जो भी प्रक्रिया से काफ़ी युवाओं को नौकरियां दी है, उसमें मेरा जो चयन हुआ है, मैं उसके लिए हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दिवाली से पहले गाँव में 8-8 युवाओं को नौकरी मिलने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। युवाओं का क्लर्क पटवारी जैसे विभिन्न पदों पर चयन हुआ है और दिलचस्प बात तो ये है कि गांव की 2 बहुओं पूजा और कोमल जो कि सगी बहने हैं, उन दोनों को भी क्लर्क के पद पर एक साथ सरकारी नौकरी मिली है। मेरे घर में मेरी 2 बहू पूजा एंड कोमल जो कि सगी बहन है, दोनों को क्लर्क की लाइन से नौकरी मिली है, एक नगर निगम में और एक आईटीआई वाले में। मैं मोदी जी का, खट्टर जी का, अपना नायब सिंह सैनी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक ऐसी नींव हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री काम में डाल गए जो बिना पर्ची खर्ची का, अब उसी एजेंडे के ऊपर हमारा नायब सिंह सैनी जी चल रहे हैं और ये गांव सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है। और तीसरी बार आने का जो बीजेपी का मेन रोल है वो यही है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। मेरी जो 2 बहू लगी है वे सगी बहन तो है ही है, साथ में मेरे भाई का देहांत हो चुका 2021 में और इस गरीबी से निकल करके ना आज वे 3 बच्चे उसके, एक भतीजा भी मेरा लगे हुआ हरियाणा पुलिस में बिना पर्ची खर्ची के, और 2 बहुओं का अभी क्लर्क लाइन में सिलेक्शन हुआ है। एक और अभी इसमें मेरे परिवार का ही 3 बच्चे भर्ती हुए हैं, एक पटवारी से भी सिलेक्शन हुआ, वो मेरे चाचा का पोता है। तो ये बहुत ही उम्दा कार्य हुआ है, एक घर में एक साथ 3 नौकरी, हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा होगा। ये सारा का सारा खट्टर जी की देन है और अभी इस अमल पर हमारे नायब सिंह से मिल सकते। हाँ सर, ये जो हरियाणा में 24,000 जो बच्चे अब ज्वाइनिंग हुए हैं, इसमें मेरा पोता प्रीतम पटवारी से जो ज्वाइनिंग किए और बगैर पर्ची खर्ची के, बगैर पैसे उसको जो है सर्विस मिली है, और उसी को नहीं हमारे गांव में 10 बच्चों को सर्विस मिली है। 10 बच्चे बगैर पर्ची और खर्चे के लगे हैं पहाड़ी गांव से। मैं हरियाणा सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लोगों को गरीबों का सहारा दिया और होनहार बच्चों को नौकरी दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बता दें कि सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने के बाद गांव पहाड़ी के सभी अभ्यर्थियों को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं 24,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दिए जाने के बाद प्रदेश भर में सरकार की वाहवाही हो रही है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।